विद्यार्थी मित्रों, हम आज फूलों का अध्ययन करने वाले हैं। फूल पेड़ पौधों का वो भाग है जो खास लैंगिक प्रजनन के लिए बनाया गया है। इसके लिए आमतौर से हम गुड़हल या फिर चाइना गुलाब का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनमें चारों आवश्यक मंडल होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। इसी कारण ये संपूर्ण और उभयलिंगी फूल है। ये सारे भाग चक्रीय पद्धति से रखे होते हैं, इसलिए उन्हें मंडल कहा जाता है, आवश्यक उपकरण। चलिए अब इस प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं ये देखते हैं। बच्चों, हमें इसके लिए गुड़हल फूल की आवश्यकता होगी, ब्लेड, नुकीली सुइयां, संदंश, कांच की पट्टी, सफेद कागज, सादा या फिर डिसेक्टिंग सूक्ष्मदर्शी, ग्लिसरीन या पानी। छात्रों, हम गुड़हल के भागों का अध्ययन आरंभ करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम सबसे बाह्य मंडल से करने वाले हैं। इसके लिए हमें खुले गुड़हल के फूल की आवश्यकता होगी। सबसे बाह्य मंडल में छोटे मुक्त और पत्तों जैसे भाग होते हैं, ये एपिकैलिक्स है। इनमें 5 से 8 ब्रैक्टियोल्स होते हैं। हर एक ब्रैक्टियोल को निकालें। एपिकैलिक्स के अंदर जो मंडल होता है उसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। यह हरे रंग का होता है। इसमें 5 संयुक्त फूलों की पंखुड़ियों के समान दल होते हैं। जब फूल कली के रूप में होते हैं तब बाह्य दल उनके आंतरिक भागों का संरक्षण करता है। अगर हम दलों के खुले नुकीले नोकों को गिने तो हमें दलों की संख्या ज्ञात हो सकती है। अब संदंश की मदद से बाह्य दल को अलग करें और अलग रख दें। बाह्य दल के अंदर दलपुंज होता है। उसकी 5 बड़ी और रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है। पंखुड़ियां फूलों के पुमंग और जायांग को संरक्षण देती है। वे परागीभवन के लिए कीड़ों को भी आकर्षित करती है। बच्चों, याद रखें कि बाह्य दल और दलपुंज अतिरिक्त मंडल या अनावश्यक मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रजनन के कार्य में साक्षात सहभाग नहीं लेते हैं। अब पंखुड़ियों को भी निकालकर ठीक से रखें। सारी पंखुड़ियों को निकालने के बाद हमें नली के समान रचना दिखाई देगी। इसे पुमंग कहते हैं। ये फूलों के नर प्रजनन दल हैं। इसमें एक साथ अनेक पुंकेसर होते हैं जो मिल करके वर्तिका बनाते हैं। वर्तिका के शीर्ष भाग पर मुक्त पराग कोश होते हैं। ये किडनी के आकार के होते हैं। कभी कभी हम इन पराग कोशों पर पीले रंग की धूली देख सकते हैं, उन्हें पराग कण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जायांग देखने के लिए अब हमें यह वर्तिका ठीक से निकालनी होगी। वर्तिका को निकालते ही हम जायांग को या स्त्री प्रजनन दल को देख सकते हैं। गुड़हल के फूल में जायांग 5 स्त्री केसरों से बनता है। वर्तिका और अंडाशय एक जान पड़ता है, क्योंकि वे संयुक्त रूप से होते हैं। अंडाशय निचले भाग में होता है और उसमें अनेक बीजांड होते हैं। पुमंग और जायांग अगुणित नर और मादा युग्मों का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें फूलों का आवश्यक मंडल कहा जाता है। ये युग्म एक साथ आकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसे ही फलन कहा जाता है। इसी के कारण फलों की और बीजों की निर्मिति होती है।